A very interesting good morning to all my dear students. Welcome to DSS online classes. Myself Prithva Kuswaha, your maths teacher. And today I will explain you the new chapter. The chapter name is the ratio and the proportion. What is the meaning of ratio? Ratio is the comparison of two numbers with same units. Ratio kya hota hai? Two numbers ka comparison hota hai. But condition kya hai? The quantity should be means क्या होना चाहिए, यूनिट मस्ट बी सेम. जो भी नंबर हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं उनके यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. एज वी हैव टू कंपेयर आवर फाइंड रेशियो ऑफ 5 m, देन अदर्स शुड बी इन द मीटर. इफ फर्स्ट इज इन मीटर देन अदर्स शुड बी इन आल्सो मीटर. अगर फर्स्ट हमने जो नंबर्स लिया है वो मीटर में है तो सेकेंड में क्या होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए. सो द मीनिंग ऑफ what is the value of first number according to second and what is the value of second number according to first. मतलब इतनी सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट ये है तो सेकेंड क्या होगा, सेकेंड ये है तो फर्स्ट क्या होगा. एज एग्जाम्पल ठीक है, इफ यू हैव टू मेक ठीक है टू कप टी. सपोज यू हैव टू मेक टू कप टी. फॉर दिस suppose you use 1 teaspoon or for 1 cup tea, okay. Let's suppose 1 cup tea, okay. 1 cup tea aapko ready karna hai, then you use 1 teaspoon tea and 2 teaspoon sugar. आपको 1 कप टी बनाने के लिए आपने 1 टीस्पून टी लिया है, चाय पत्ती ली है एंड 2 टीस्पून शुगर लिया है. अब सोचो कोई जो ऐसा मतलब इंसान है जिसको डायबिटीज नहीं है, वो बहुत शुगर खाता है तो ज़्यादा मीठा पीता होगा, कोई बात नहीं. हमें क्या करना है, हमें रेशियो समझना है ओके. तो उसने 1 कप टी रेडी करने के लिए 1 टीस्पून चाय पत्ती ली है एंड 2 टीस्पून शुगर ले लिया है ओके. बट उसको अगर 2 कप टी बनाना होता तो क्या करता, 2 कप टी बनाना होता तो क्या करता, देन ही यूज 2 टीस्पून टी एंड 4 टीस्पून शुगर. तो वो क्या करता, यहाँ से आपका कप टी डबल हुआ है तो ये दोनों चीजें भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी. फॉर 3 कप टी दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 6 एंड फॉर 4 कप टी दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 8. इफ यू माइंड ऑल द रेशियोस, व्हाट आर द रेशियोस, फर्स्ट इज 1:2, सेकंड इज 2:4 एंड थर्ड इज 3:6 एंड 4:8. इफ यू सिंपलीफाई दी ऑल दीज रेशियोस वी फाइंड दिस विल बी 1:2. क्या होता है बेटा ये कट, अभी आपको समझाएंगे हम ये, अभी यहाँ मीनिंग समझिए फिर समझाएंगे ये कैसे होगा. 2 × 2 = 4, यहाँ 3 × 3 = 6, इसलिए भी आंसर 1/2, 1:2, 4 × 4, 4×2 = 8, इसलिए भी आपको सारे कंडीशन के लिए ये मिला है 1:2. इसकी मीनिंग क्या होती है कि आपको अब जितने भी कप टी बनाने हैं उनमें सभी में रेशियो ले लिया है, तो आपने एक साथ बना दिया, जिसको भी अभी टी बनाना सिखा रहे हो आप उसको आपने एक साथ बना दिया कि आपको जितना भी टी बनाना होगा ना आप 1:2 के रेशियो में टी लीफ एंड शुगर यूज करिए. वो कितना भी कप टी उसको बनाना हो वो ईजिली बता सकता है. ऐसे रैंडमली 4 कप टी बनाना नोट किया तो 1 टीस्पून लीफ लिया, 7 टीस्पून शुगर ले लिया, ऐसा कोई तरीका नहीं होता ना. तो ये तरीका देखिए रेशियो की ये इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस है रेशियो की. ये रेशियो ने फुल इंफॉर्मेशन दे दिया कि अब आपको कितना भी बनाना हो, कितने कप टी बनाना हो, आप इसी रेशियो में लेना, इतना टी लीफ लेना और इतना शुगर लेना ओके. ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो, दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो. एंड नाउ we
understood how to find the ratio between two numbers. Like we have to find the ratio of 5 to 15, then it will be 5 by 2. Okay, but ratio is always in the simplest form. Ratio kabhi bhi composite number mein nahi hota hai. ठीक है, कंपोजिट नंबर इट मीन्स को प्राइम नंबर होना चाहिए उनको. ठीक है, यूनिट एंड डिनोमिनेटर में कोई पावर फैक्टर नहीं, बट हियर दिस सी 5 इज अ पावर फैक्टर, सो 5 इज अ 5 एंड 5 इज अ 15, दिस विल बी 1/3. और यही 1/3 जो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया, दिस इज नोटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस 1:3. लाइक दिस वी कैन फाइंड ऑल द रेशियो विद क्वेश्चंस, एंड व्हेन